योना। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम सब राष्ट्रों के लिए है। योना को दी गई पहली आज्ञा, योना को दी गई दूसरी आज्ञा। पुरानी वाचा में नबुवत की 16 पुस्तकें हैं, यशया से मलाकी तक। इन सभी 16 नबियों में सिर्फ योना ही ऐसा था जिसने न तो इज़राइल और न ही यहूदा से नबुवत की, उसने सिर्फ नीनवे से नबुवत की। योना की पुस्तक असल में नबुवत से ज्यादा एक ऐतिहासिक पुस्तक है। ये संभव है कि योना ने इसे स्वयं तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिखा हो। ये एक ऐसी कहानी है जो सभी लोगों के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम को प्रकट करती है। योना की पुस्तक पुरानी वाचा में एक महान मिशनरी पुस्तक है। ये यहूदी लोगों के हृदय की संकीर्णता और परमेश्वर के हृदय की विशालता दर्शाती है और उस समय के पृथ्वी के सबसे दुष्ट और क्रूर देश अश्शूर साम्राज्य की राजधानी नीनवे के लिए भी परमेश्वर की दिलचस्पी और उसके प्रेम के बारे में बताती है। जब परमेश्वर को नीनवे भेजने के लिए एक संदेशवाहक की जरूरत पड़ी तो उसने योना को चुना। ये एक बड़े सम्मान की बात थी क्योंकि योना बाहरी संसार में गैर यहूदी जगत में परमेश्वर का पहला नबी होता, लेकिन अपने आज्ञा उल्लंघन द्वारा वह लगभग उस विशेषाधिकार से चूक ही गया था। हम यहाँ फिर इस बात को देख सकते हैं कि अपना संदेश पहुंचाने के लिए परमेश्वर कैसे मनुष्यों पर निर्भर रहता है। अगर संदेशवाहक सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता तो परमेश्वर सीमित हो जाता है। परमेश्वर को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि उसका पात्र तैयार नहीं हो जाता, जैसा कि मूसा के मामले में हुआ था। जब इज़राइल मिस्र में से छुड़ाए जाने के लिए तैयार हो गया था तो मूसा तैयार नहीं था, इसलिए इज़राइल को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक परमेश्वर ने मूसा को तैयार नहीं किया। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। परमेश्वर नीनवे को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उस संदेश को ले जाने के लिए पहले उसे अपने सेवक को तैयार करना जरूरी था। योना अशूरियों के विरुद्ध पूर्व ग्रह से भरा हुआ था और इसलिए वह उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में पत्रस गैर यहूदियों के पास कुर्नेलियोस के घर जाने के लिए तैयार नहीं था। पूर्व ग्रह एक बड़ी ताकत होती है। हम में से हर एक में कुछ खास तरह के पूर्व ग्रह होते हैं और अगर परमेश्वर इन पूर्व ग्रहों को तोड़ नहीं पाता तो प्रभु के लिए हमारी सेवा सीमित हो जाएगी। परमेश्वर हमें फिर भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह इस बात में सीमित हो जाएगा कि वह हमें कितना इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसका हृदय हमसे बहुत बड़ा है। नीनवे इज़राइल से पूर्व की ओर लगभग 600 किलोमीटर दूर था। योना के लिए वह सफर काफी लंबा था, लेकिन उसके न जाने की प्राथमिक वजह वह नहीं थी। जगत के सब लोग नीनवे के लोगों से घृणा करते थे क्योंकि वे बहुत क्रूर थे और योना नहीं चाहता था कि वे क्रूर अशूरी उनके पापों से मन फिराए, क्योंकि वह जानता था कि अगर वे अपना मन फिरा लेंगे तो परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा और फिर वे आकर इज़राइल को नष्ट कर देंगे। योना को दी गई पहली आज्ञा। इस पुस्तक में दो भाग है। पुस्तक के पहले दो अध्याय योना को दी गई पहली आज्ञा के बारे में है और अगले दो अध्याय उसे दी गई दूसरी आज्ञा के बारे में है। प्रभु ने योना से कहा, नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि लोगों की दुष्टता बढ़कर मेरे सम्मुख पहुंच गई है। पहला अध्याय 1 और 2। लेकिन योना पूर्व में जाने की बजाय पश्चिम की ओर गया। वह याफा पहुंचा और वहां एक तर्शीश जाने वाला जहाज पाकर वह उसमें सवार हो गया।
और इस तरह वह प्रभु की उपस्थिति से दूर भागा। 1:3 योना के पास सफर करने के लिए पैसे थे, इसलिए वह परमेश्वर की इच्छा में से बाहर निकल गया। उसके लिए कितना अच्छा होता अगर उसके पास तर्शीश जाने के लिए पैसे न होते। जब परमेश्वर हमें कहीं जाने के लिए कहे और हम कहीं और जाना चाहे, तब हमारी पसंद की जगह पर जाने के लिए हमारे पास पैसे न होना ही अच्छा है। बहुत से मसीह सेवक सोचते हैं, अगर उनके पास कहीं जाने के पैसे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि वह परमेश्वर की इच्छा में है। अगर ये तर्क सही है, तब तो योना परमेश्वर की इच्छा में ही तर्शीश जा रहा था, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास कुछ लेने के लिए या कहीं जाने के लिए पैसे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वह बात परमेश्वर की इच्छा में है। ये हो सकता है कि परमेश्वर ये न चाहता हो कि आप वह वस्तु खरीदे या वह आपको किसी दूसरी जगह भेजना चाहता हो। पैसा एक बहुत धोखा देने वाली चीज है। पैसे की उपलब्धि को कभी ये तय करने की अनुमति न दे कि आपको कहाँ जाना है और क्या खरीदना है। जब योना परमेश्वर की इच्छा से दूर चला गया, तो परमेश्वर ने समुद्र के ऊपर तेज हवाएं और एक ऐसा भीषण तूफान भेजा कि जहाज भी टूटने के खतरे में पड़ गया। सभी नाविक डर गए और हरेक अपने अपने देवी देवता को पुकारने लगा, लेकिन तूफान नहीं थमा। जबकि सभी अपनी मूर्तियों से प्रार्थना कर रहे थे, उस जहाज में जो सच्चे परमेश्वर को जानता था वह सो रहा था। उन्होंने उसे उठाया और उससे भी प्रार्थना करने के लिए कहा। जब उनकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने ये जानने के लिए चिट्ठियां डाली कि किसके पाप की वजह से उन पर संकट आया था। परमेश्वर ने उन चिट्ठियों के डाले जाने को अपने हाथ में लिया और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। उस जहाज में योना से ज्यादा बड़े बड़े पापी थे, फिर भी उस तूफान की वजह योना था। परमेश्वर की संतान में पाया जाने वाला आज्ञा उल्लंघन परमेश्वर की नजर में एक अविश्वासी में पाए जाने वाले असंख्य पापों से बढ़कर होता है। पृथ्वी के सभी लोगों में से मैंने सिर्फ तुझ पर ही अपना मन लगाया है, इसलिए मैं तेरे अधर्म के लिए तुझे दंड दूंगा। आमोस 3:2। तब योना ने अपने पाप का अंगीकार किया। उसने उन्हें बताया कि वह परमेश्वर से बचकर भाग रहा था। तब उन्होंने जहाज को किनारे तक ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए क्योंकि समुद्र में आया तूफान थम नहीं रहा था। तब योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब तूफान थम जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तूफान तुम्हारे ऊपर मेरी ही वजह से आया है। पद 12। तब सभी नाविक ये सोचकर डर गए कि अगर उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया, तो परमेश्वर उन्हें दंड देगा। यहाँ ऐसा लगता है जैसे योना से ज्यादा उन विधर्मी लोगों में परमेश्वर का भय था। आखिर में जब कोई दूसरा रास्ता न बचा, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और तूफान तुरंत ही शांत हो गया। तब उन्होंने परमेश्वर का अत्यधिक भय माना। पद 16। और परमेश्वर ने योना को निगल जाने के लिए एक बड़ी मछली को भेजा और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा। परमेश्वर का वचन प्रेरित वचन है और मैं ये मानता हूँ कि उसमें जैसा लिखा है वैसा ही हुआ है। स्वयं यीशु ने इस कहानी का समर्थन करते हुए कहा था, जैसे योना 3 दिन उस बड़ी मछली के पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी की गहराई में रहेगा। मत्ती 12:40। यीशु के पुनरुत्थान
और स्वर्गारोहण से पहले स्वर्ग पृथ्वी के हृदय में गहराई में था और यीशु 3 दिन और 3 रात तक गुरुवार की शाम से, हाँ उसे गुरुवार को सूली पर चढ़ाया गया था और रविवार की सुबह उसके मृतकों में से जी उठने तक वह पृथ्वी के हृदय में गहराई में रहा था। 3 दिन के बाद योना ने प्रार्थना की 2:1 में, तब शब्द पर ध्यान दे। इस शब्द से ये स्पष्ट हो जाता है कि योना ने तब तक प्रार्थना नहीं की थी, तो 3 दिन और 3 रात तक वह क्या कर रहा था? शायद मछली के पेट में से किसी तरह निकल जाने की कोशिश करता रहा होगा। उसने बार बार कोशिश की होगी, लेकिन फिसल कर फिर अंदर ही मछली की चिपचिपी पेट में ही गिर रहा होगा। और 3 दिन तक नाकाम कोशिशें करने के बाद उसने प्रार्थना करने का फैसला किया। हम भी जब किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम भी यही करते हैं। सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि उसमें से निकलने के लिए हम अपने मानवीय प्रयास करते हैं, और फिर जब हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं। इस तरह योना ने 3 दिन के बाद प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह कहता है, मैं जीवन से कट गया था और मृत्यु के बंधनों ने मुझे जकड़ लिया था। जब मेरी सारी आशा मिट चुकी थी तब मैंने एक बार फिर परमेश्वर की ओर मन फिराया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंची। 2:6-7। उसकी प्रार्थना के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रार्थना छोड़कर प्रभु की स्तुति करना आरंभ किया। उसने कहा, मैं धन्यवाद के गीत गाह गाकर तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसे मैं पूरी करूंगा। उद्धार प्रभु से ही है, छुटकारा सिर्फ तेरे पास से ही आता है। 2:9। दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा था, प्रभु मैं पूरे हृदय से तेरी स्तुति करूंगा। अगर तू चाहे और जब तू चाहे मुझे छुड़ा सकता है। उसने जैसी ही स्तुति करना शुरू किया, परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी कि वह योना को भूमि पर उगल दे। 2:10 में दोबारा तब शब्द पर ध्यान दे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके प्रभु की स्तुति शुरू करने के बाद ही परमेश्वर ने मछली को उसे भूमि पर उगल देने की आज्ञा दी थी। यहाँ एक सिद्धांत है। हमने भजन संहिता 50:23 का अध्ययन करते हुए भी इस सिद्धांत को जाना था। जो भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही वाक्यांश जिसका यहाँ योना ने उपयोग किया है, वह मेरे लिए रास्ता बनाता है कि मैं उसे अपने छुटकारे का दर्शन दे सकूं। दूसरे शब्दों में प्रभु कहता है, अगर तुम शिकायत करने की जगह मेरी स्तुति करो तो तुम्हें छुटकारा देने के लिए तुम मेरे लिए रास्ता तैयार कर दोगे। हम देख सकते हैं कि कैसे यहोशापात ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया था। जब विशाल सेनाओं ने आकर उसे घेर लिया तब उसने परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी थी और परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से उसे छुटकारा दे दिया था। 2:20-22। ये जरूरी नहीं है कि प्रार्थना अपने आप में विश्वास की एक अभिव्यक्ति हो, लेकिन सच्ची निष्ठापूर्वक की गई परमेश्वर की स्तुति हमेशा ही विश्वास की अभिव्यक्ति होती है। देखिए भजन संहिता 106:12। आप विश्वास के बिना भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन
समस्या का समाधान हुए बिना ही जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब आप विश्वास व्यक्त करते हैं। जब आप कहते हैं, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि छुटकारा सिर्फ तेरे पास से ही आता है, तो आपको छुड़ाने के लिए आपने परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार कर दिया है। योना को दी गई दूसरी आज्ञा। फिर प्रभु का शब्द योना के पास दूसरी बार आया। प्रभु की स्तुति हो कि हमारे एक बार निष्फल हो जाने के बाद वह हमें दूसरा मौका भी देता है। योना की पुस्तक में से मिलने वाले संदेशों में से हमें ये एक महान संदेश मिलता है। क्या आप प्रभु के काम में नाकाम हुए हैं? परमेश्वर आपको दूसरा मौका देने का इंतजार कर रहा है। क्या आप दूसरी बार नाकाम हुए हैं? वह आपको तीसरी बार भी मौका देगा। वह सिर्फ दूसरे मौके का ही प्रभु नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर हमारा दूसरा मौका बहुत पहले खो चुके हैं। आप चाहे कितनी भी बार नाकाम हुए हो, वह एक और मौका देने वाला प्रभु है। प्रभु आपको अभी भी पुनर्स्थापित कर सकता है, और अगर सच्चे हृदय से मन फिरा ले तो वह आपको इस योग्य बना सकता है कि आप उसके लिए एक सेवकाई पूरी कर सके। योना ने अब अपना पाठ सीख लिया था। उसे ताड़ना देकर नम्र और दीन कर दिया गया था, और अब वह सहर्ष निनवे जाने के लिए तैयार था। योना 3 दिनों तक महानगर निनवे में घूमता रहा और उसके मुख्य मार्गों में ये घोषणा करता गया कि निनवे 40 दिन में नाश हो जाएगा। वह एक अद्भुत बात है कि निनवे ने तुरंत दीन होकर अपने पापों का अंगीकार किया और अपना मन फिरा लिया। विश्व के इतिहास में होने वाली ये सबसे बड़ी और सबसे तेजी से आई नवजागृति थी, और ये एक विधर्मी मूर्ति पूजक देश में हुई थी। ऐसी नवजागृति कहीं नहीं देखी गई है। योना का संदेश सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन उससे हजारों लोग उनके पाप के लिए दोषी ठहरे और सब ने मन फिराया। हम यहाँ क्या देखते हैं? जब परमेश्वर अपने सेवक के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार कर लेता है और उसमें एक काम कर देता है, तो उसके अंदर से निकलने वाले एक वाक्य में भी इतनी सामर्थ होगी। अगर परमेश्वर अभी तक आपके हठीलेपन, आज्ञा उल्लंघन, विद्रोह और घमंड से नहीं निपट सका है, तो आपके द्वारा दिए जाने वाले लंबे प्रवचन भी कुछ हासिल न कर पाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर आपको तोड़ने में सफल रहा है, तो आपका एक वाक्य भी सामर्थ से काम करेगा। राजा से लेकर भिखारी तक सबने बड़ा विलाप किया और अपने पापों से मन फिराया। उन्होंने टाट ओढ़कर परमेश्वर को पुकारा कि वह उन्हें क्षमा कर दे। वे जान गए थे कि उनके न्याय का समय आ गया है और वे दोषी पाए जाएंगे। जब परमेश्वर ने ये देखा तो उसने उन्हें दंडित नहीं किया। एक बात जो मुझे बड़ी उत्साहित करती है वो ये है कि जब निनवे जैसे दुष्ट नगर ने अपना मन फिराया तो परमेश्वर ने उन पर दया की। परमेश्वर जानता था कि कुछ वर्षों बाद वह नगर इतनी दुष्टता से भर जाएगा कि उसे वह नष्ट करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर हर एक के साथ उसके वर्तमान दशा के अनुसार व्यवहार करता है, उनकी उस दशा के अनुसार नहीं जो उनकी बीते समय में थी या आने वाले समय में होगी। उसका नाम मैं जो हूँ सो हूँ ये है, ये नहीं कि मैं जो था या मैं जो होऊंगा। परमेश्वर हमसे ज्यादा संवेदना से भरा है। पवित्र शास्त्र में ऐसी एक भी घटना नहीं है
जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने पाप का अंगीकार कर परमेश्वर की ओर मन फिराया हो और परमेश्वर ने उसे क्षमा न किया हो। अगर यहूदा इस्करियोते ने भी प्रभु के पास जाकर क्षमा मांगी होती तो उसे भी क्षमा मिल गई होती, लेकिन इसके बजाय वह धर्म गुरुओं के पास गया, जैसा बहुत से लोग आज भी करते हैं। किसी धर्म गुरु के पास जाकर अपने पापों का अंगीकार करने से आपको उन पापों की क्षमा नहीं मिलती है। यहूदा इस्करियोती ने ये कोशिश की थी, लेकिन वह उसमें नाकाम रहा था, और इस तरह से आपको भी क्षमा नहीं मिल सकेगी। जब परमेश्वर ने नीनवे पर दया की तो हमें ऐसा विचार आ सकता है कि योना बहुत उत्तेजित हुआ होगा, लेकिन इससे वो उत्तेजित नहीं हुआ था। जरा कल्पना करें कि एक सुसमाचार प्रचारक ने अपने सामने 120,000 लोगों के एक नगर को विलाप करते और मन फिराते हुए देखा। 4:11 मानव इतिहास में हुई सबसे बड़ी नवजागृति, और फिर भी वो उत्तेजित नहीं होता। इसके बजाय योना क्रोधित हो गया, सबसे पहले इसलिए क्योंकि उसकी नबुवत पूरी नहीं हुई थी, और दूसरा इसलिए क्योंकि एक देशभक्त इजरायली होते हुए वह नीनवे के लोगों से घृणा करता था, और वह ये आशा कर रहा था कि अगर वे मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर उन्हें नाश कर देगा। क्या हम योना की तरह है? क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई है जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर उसे आशीष न दे? क्या हम ये भूल गए हैं कि परमेश्वर ने हम पर कैसी दया दिखाई है और हमें कितनी आशीषें दी है, जबकि हम सिर्फ नरक में फेंके जाने लायक ही थे। लेकिन एक नबी के रूप में योना की दिलचस्पी अब उसके अपने सम्मान और ख्याति में हो गई थी। योना को एक पाठ सिखाने के लिए परमेश्वर ने एक पौधे को उसके सिर पर छाया करने के लिए उगाया। योना उस पौधे के कारण बहुत आनंदित हुआ, लेकिन अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस पौधे को ऐसा काटा कि वह सूख गया। योना को फिर से बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके सिर पर कड़ी धूप पड़ रही थी। तब उसने कहा, मेरे लिए जीने से मरना ही भला है। 4:8 तब परमेश्वर ने योना से कहा, उस पौधे पर तुझे इतना तरस आया जो एक ही रात में बढ़ा और फिर सूख गया, और इस महानगर नीनवे में तो 120,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथों का फर्क भी नहीं जानते, और इसमें बहुत से जानवर भी हैं। क्या मैं इस पर तरस न खाऊं? 4:11 ये अद्भुत है कि परमेश्वर की दिलचस्पी नीनवे के जानवरों में भी थी। धर्मी मनुष्य अपने पशु के प्राण की भी चिंता करता है। नीति वचन 12:10 इस पद में योना 4:11 पुरानी वाचा के अन्य किसी भी पद से ज्यादा हम खोई हुई आत्माओं के लिए परमेश्वर की संवेदना देख सकते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि कोई नाश न हो, लेकिन न जाने क्यों योना इस मामलों में परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सका। आज भी ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं और योना की तरह नव जागृतियां देखते हैं, लेकिन योना की ही तरह उनकी परमेश्वर के संवेदना भरे हृदय के साथ कोई संगति नहीं होती। ऐसे प्रचारक अपनी सेवकाई उस तरह पूरी नहीं करते जैसा परमेश्वर चाहता है। आप प्रचार कर सकते हैं और लोग उद्धार पा सकते हैं, लेकिन सब कुछ पूरा हो जाने के बाद योना की तरह ये हो सकता है कि आपकी परमेश्वर के साथ कोई संगति न हो। एक सही सुसमाचारीय सेवकाई का आधार परमेश्वर के हृदय के साथ
संगति होना है। जिनके पास ज्योति नहीं है उनके प्रति परमेश्वर बड़ी संवेदना रखता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य अपना मन फिराए, उद्धार पाए और सत्य का ज्ञान प्राप्त करे। 1 तिमुथियुस 2:4। वह इसकी लालसा करता है। हम परमेश्वर के हृदय के साथ जितनी ज्यादा संगति करते हैं, हम उसके बोझ में उतने ज्यादा सहभागी होते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको एक सुसमाचार प्रचारक होने के लिए बुलाया है तो वह आपको खोई हुई आत्माओं का बोझ देगा। अगर परमेश्वर ने आपको शिक्षक होने के लिए बुलाया है तो वह आपको ऐसे विश्वासियों के लिए संवेदना करुणा देगा जो अंधे हैं और भ्रम में पड़े हैं और जो एक जैवन जीवन में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अगर हमें अपनी सेवकाई एक प्रभावी रूप में पूरी करनी है तो ये अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के हृदय के साथ संगति करते हुए उसकी संवेदना, उसकी करुणा में सहभागी हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें आपके सच्चे सेवक होने के लिए गरीब लोगों के प्रति और खोई हुई आत्माओं के प्रति सही दृष्टिकोण रखने के लिए और आपके हृदय के साथ संगति करने के लिए मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।